हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एडुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास ट्वेल्थ जी हाँ सही सुना आपने किंच गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एडुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड तो करना क्या है आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैगनेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो कहते हैं आज की वीडियो स्टार्ट मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर जिसका नाम क्या है कलेक्टिंग सॉरी डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन ठीक है जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जिसका आज का टॉपिक क्या है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा जिसे हम प्रीवियस वीडियो में भी स्टार्ट कर चुके हैं मतलब हमने ऑलरेडी ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया है जिसका पार्ट वन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर क्योंकि ये क्या है कंटिन्यूशन में ही आपको पार्ट टू देके रखा हुआ है ठीक है इतना आया समझ में साथ ही में हम क्या करेंगे फिगर इट आउट जो कि आपकी पेज नंबर सेवेंटी सिक्स एंड सेवेंटी सेवन पर देकर रखे हुए हैं ठीक है आ गया समझ में चलिए सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा में श्री निलेश इज़ अ टीचर श्री निलेश क्या है टीचर है, ठीक है ही डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट्स टू द क्लास टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो स्वीट्स लेकर आएंगे क्लास में ताकि वो न्यू ईयर को क्या कर सकें सेलिब्रेट कर सकें ठीक है द स्वीट शॉप नियर नियर बाय हैज़ जलेबी गुलाब जामुन गुजिया बर्फ़ी एंड रसगुल्ला जो स्वीट शॉप थी वहाँ पे कौन कौन सी स्वीट्स थी जलेबी गुलाब जामुन गुजिया बर्फ़ी एंड रसगुल्ला ठीक है ये सब स्वीट्स अवेलेबल थी ही वॉन्टेड टू नो द चॉइज ऑफ द चिल्ड्रन तो वो क्या चाहते थे कि मतलब चिल्ड्रन की चॉइज जानना चाहते थे कि उनको कौन कौन सी स्वीट्स पसंद हैं ठीक है थीके? He wrote the names of the sweets on the board and asked each children to tell him their preference. उसने क्या किया मतलब उन टीचर ने क्या किया सारे ही स्वीट्स का नाम मतलब ये जितने भी स्वीट्स हैं सबका नाम एक बोर्ड पे लिख दिया एंड एक एक स्टूडेंट से पूछा कि उनको कौन सी स्वीट पसंद है ठीक है आ गया समझ में हे पुट अ tally मार्क टैली मार्क क्या होता है ऐसा एक मार्क होता है ठीक है उन्होंने क्या किया टैली मार्क पुट किया फॉर ईच स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट के लिए हर एक स्टूडेंट के लिए ये जो टेली मार्क है ना ऐसे सीधी लाइन वैसा पुट किया ठीक है एंड व्हेन द काउंट रीच्ड फाइव ही पुट अ लाइन थ्रू द प्रीवियस फोर एंड मार्क्ड इट एज मार्क्ड इट एज ये क्या मतलब है इसका जैसे कि फॉर एग्जांपल जलेबी की बात आई ठीक है जलेबी की बात आई उसने एक उन्होंने एक स्टूडेंट को खड़ा किया उन्होंने बोला कि हाँ मुझे जलेबी पसंद दूसरे को खड़ा किया उन्होंने भी बोला कि हाँ मुझे जलेबी पसंद है तो दो स्टूडेंट्स हो गई तीसरे ने भी बोला मुझे जलेबी पसंद है चौथे ने भी जलेबी बोला पांचवें ने भी जलेबी बोला लेकिन जब पांचवा स्टूडेंट आया जिसने बोला कि हाँ मुझे जलेबी पसंद है तो उन्होंने क्या किया इस फोर को क्रॉस कर दिया ठीक है आ गया समझ में तो इसे हम कैसे काउंट करेंगे इसे हम काउंट करेंगे एज फाइव फोर सीधी लाइन है और एक डायगनल लाइन है ठीक है जिसे कट किया गया है ठीक है आ गया समझ में तो वही चीज बोली जा रही है कि ही पुट अ टैली मार्क इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम टैली मार्क बोलते हैं जो मैं ये आपको बता रही हूँ ना इसे हम क्या बोलते हैं टैली मार्क ही पुट अ टैली मार्क फॉर ईच स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट के लिए टैली मार्क उन्होंने क्या किया पुट किया एंड व्हेन द काउंट रीज फाइव और जैसे ही काउंट कहाँ पहुंच गया फाइव पर पहुंच गया ही पुट अ लाइन थ्रू द प्रीवियस फोर तो प्रीवियस फोर में से उन्होंने लाइन पुट कर दी ठीक है ऐसे कट कर दिया और ऐसे शो हुआ है ठीक है आगे समझ में या, या तो हम ऐसे भी कट कर सकते हैं या तो हम ऐसे भी कट कर सकते हैं ठीक है आगे समझ में तो ये हमें देके रखा हुआ है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर स्वीट्स दे के रखी हुई है यहाँ पर टैली मार्क्स एंड यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है सबसे पहले अगर हम जलेबी की बात करें हम क्या देख पा रहे हैं कि वन टू थ्री फोर एंड देन उसके बाद कट है मतलब फाइव एंड देन उसके बाद एक और अलग से लाइन बनी हुई है मतलब सिक्स तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्स हैं जिन्हें जलेबी पसंद है ठीक है फिर उसके बाद अगर हम बात करें गुलाब जामुन की तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव देन उसके बाद सिक्स सेवन एट नाइन तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं नाइन जिनको गुलाब जामुन पसंद है ठीक है देन उसके बाद गुजिया की बात करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थर्टीन आएगा थर्टीन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनको गुजिया पसंद है ठीक है देन उसके बाद बर्फ़ी की बात करें तो वन टू थ्री सिर्फ तीन ही स्टूडेंट्स हैं जिनको बर्फी पसंद है ठीक है फिर अगर हम बात करें रसगुल्ला की तो वन टू थ्री फोर फाइव 6 7 तो 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रसगुल्ला पसंद है ठीक है आगे समझ में तो ऐसे हमने टैली मार्क्स भी बनाए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख दिए ठीक है आगे समझ में आया है तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए कर लिया आपने नोट डाउन चलिए अब क्या देके रखा है हमें फिगर इट आउट देके रखा है जो कि आपके पेज नंबर 76 में है ठीक है श्री नलेश की ही यहाँ पे बात हो रही है मतलब श्री निलेश की यहाँ पे बात हो रही है जो भी हमने अभी देखा उसके बेस पर ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है आगे समझ में कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नलेश श्री नीलेष टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स हमें क्या करना है टेबल को कंप्लीट करना है जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है ताकि उसे पता चले कि उसे कितनी स्वीट्स खरीदनी है ठीक है आया समझ में तो क्या बोला जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी जलेबी कितने स्टूडेंट्स ने चूज करी थी तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिक्स ठीक है फिर बर्फी वॉज चूजन बाई डैश स्टूडेंट्स बर्फी कितने स्टूडेंट्स ने चूज करी थी तो अगर हम बर्फी की बात करें यहाँ पर हमने थ्री लिखा था वन टू थ्री तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे थ्री लिख देंगे ठीक है देन उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया गुजिया कितने स्टूडेंट्स ने चूज किया था तो यहां पर हमने थर्टीन लिखा था तो यहां पर भी क्या आ जाएगा थर्टीन फिर उसके बाद रसगुल्ला वॉज चूजन बाई डैश स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स ने रसगुल्ला चूज किया था तो यहां पर हमने सेवन लिखा था तो यहां पर भी क्या आ जाएगा सेवन स्टूडेंट्स ठीक है देन उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जाम। गुलाब जामुन गुलाब जामुन कितने स्टूडेंट्स ने चूज किया था तो गुलाब जामुन यहां पे नाइन लिखा हुआ है तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे नाइन लिख देंगे ठीक है बस इतना ही सॉल्व करना था बहुत ही ईजी है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए कर लिया आपने नोट डाउन चलिए अब यहाँ पर क्या देखे रखा है श्री निलेश रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर टू ब्रिंग द स्वीट्स एज गिवन इन द टेबल श्री निलेश ने क्या किया स्टाफ मेंबर से रिक्वेस्ट किया कि वो स्वीट लेकर आए जैसे ही टेबल में लिखा हुआ है जैसे कि गुलाब जामुन नाइन लिखा है तो गुलाब जामुन नाइन लेकर आए बर्फी तीन लिखा है तो थ्री लेकर आए ठीक है जलेबी सिक्स लिखा है तो सिक्स लेकर आए तो ऐसे उन्होंने बोला स्टाफ मेंबर से द अब टेबल हैव हिम टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स जो टेबल हमने देखी थी ना उससे क्या हुआ श्री लीलीज जो कि टीचर है उनको पता चला कि उनको कितनी स्वीट्स खरीदनी चाहिए करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स का उनको पता चल गया ठीक है आ गया समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए कर लिया आपने नोट डाउन चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या देके रखा है क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए ठीक है क्या देखे रखा है क्वेश्चन सेकंड इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट टू द करेक्ट स्टूडेंट क्या पूछा जा रहा है कि जो हमने टेबल देखी क्या वो सफिशिएंट है क्या सफिशिएंट है क्या हम स्वीट को जो भी स्वीट्स हमने मंगवाई है वो हर एक स्वीट्स को करेक्ट स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए क्या वो टेबल सफिशियंट है ऐसा पूछा जा रहा है एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना है इफ़ इट इज नॉट सफिशेंट वॉट इज द अल्टरनेटिव अगर सफिशियंट नहीं है तो अल्टरनेटिव क्या है सबसे पहले तो हमने ये टेबल देखी ये टेबल देखी थी क्या ये सफिशियंट है जलेबी अगर सिक्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि सिक्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है तो क्या हमें पता चल पा रहा है कि कौन से वो छः स्टूडेंट्स हैं जिनको जलेबी पसंद है हमें तो सिर्फ नंबर दे के रखा है क्या हमें स्टूडेंट का नाम दे के रखा है नहीं तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम तो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कोई भी छः स्टूडेंट उठाएंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जब तक हमें नाम नहीं पता रहेगा तब तक हमें कैसे पता कि कौन से स्टूडेंट को जलेबी पसंद है कौन से स्टूडेंट को गुलाब जामुन पसंद है कौन से स्टूडेंट को गुजिया पसंद है कौन से स्टूडेंट स्टूडेंट को बर्फी पसंद है और कौन से स्टूडेंट को रसगुल्ला पसंद है मतलब इससे हमें ये तो समझ आ रहा है कि कितनी स्वीट्स लेकर आनी है लेकिन यह नहीं समझ आ रहा कि कौन सी स्वीट्स किसको मिलेंगी ठीक है आया समझ में तो यहां पर हम लिख देंगे नो अबव टेबल इज Is not sufficient is not sufficient to distribute each type of sweet to the Correct student because in the table, in the table, number of students of students. Liking the each type of sweet, liking the each type of sweet is given, but the name of the Student of the student's liking, such sweets are not mentioned. मतलब क्या बोला जा रहा है कि टेबल में हमें यह तो देके रखा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कौन सी स्वीट्स पसंद है ठीक है ईच स्वीट मतलब हर एक स्वीट के आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो लिखा हुआ है लेकिन कौन से स्टूडेंट को मतलब नेम ऑफ द स्टूडेंट नहीं लिखा गया है कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी मिठाई पसंद है कौन सी स्वीट पसंद है इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने बट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइकिंग सच स्वीट्स इज नॉट आर नॉट मैं ठीक है मैंशन नहीं किया गया है उनका नाम ठीक है इतना आ गया समझ में तो हमसे पूछा जा रहा था व्हाट इज द अल्टरनेटिव तो हम क्या कर सकते हैं अगर हमें कर, मतलब करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है स्वीट को तो हम क्या कर सकते हैं तो यहां पर हम वो भी लिख देंगे श्री नलेश राइट द नेम of the students write the name of the students liking each टाइप ऑफ sweets ठीक है क्या कर सकते हैं वो स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं जिनको भी जो भी स्वीट पसंद है ठीक है आ गया समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए कर लिया आपने नोट डाउन चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन को सब्सक्राइब ये रही हमारी एप्लीकेशन ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब थैंक यू सो मच